नमस्कार हमारे प्यारे किसान भाई, किसान भाई स्वागत है आपका हमारे अपने चैनल इंडी फार्मर में। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले जो हमारे बैंगन के खेत में हमें बहुत जो शूट बोरर की और उसके साथ साथ जो फ्रूट बोरर की बहुत दिक्कत आती है, तो दोस्तों उसको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं फॉर्मन ट्रैप्स के द्वारा, जो ये हम आपको सभी ए टू जेड जानकारी इस वीडियो में देने वाले। वो फेरमोन ट्रैप्स को कैसे इंस्टॉलेशन करते हैं ये हम देखने वाले। उससे पहले हम दोस्तों आपको ये बता देते हैं कि ये जो शूट बोरर होती है वो कैसे, इसका जो पूरा जो सर्कल होता है वो कैसा होता है। तो दोस्तों जो ये जो शूट बोरर होती है वो अडल्ट साइज में ये जो काइट होती है, जैसे कि हमारे इधर इसको पतंग बोलते हैं, ये इसका शेप जो यो शेप जो होता है जो काइट के जैसा होता है। तो दोस्तों जो यो अडल्ट जो शूट बोरर होती है जो काइट के फेज में होती है, वो दोस्तों क्या करती है, वो हमारा बैंगन का जो पेड़ होता है वो पेड़ आती है और जो इधर जो आगे वाली स्प्राउटनिंग होती है जो हल्की ऊपर वाली, इधर अंडी देती है। वो महज दोस्तों ये जो जो पतंग होती है वो लगभग 250 के आसपास जो अंडे देते हैं। तो दोस्तों बाद में वो जो अंडे होते हैं वो 3-4 दिन के बाद जो लार्वा के रूप में रूपांतरित होती है। तो दोस्तों वो ये लार्वा अंडे बाद में लार्वा में होते हैं और जो लार्वा होते हैं वो हमारे स्टीम के अंदर जो छोटे छोटे वाले ये जो आप देख सकते हैं इसमें घुस जाती है और हमारे पूरी जो स्टीम में घुस जाती है, वो स्टीम को हमारे पूरी तरह से बर्बाद कर देती है दोस्तों। तो ये जो हमारे जो ट्रैप्स होते हैं इसे कैसे कंट्रोल करते और इसको कैसे प्लांटेशन हमें करना चाहिए ये हम आपको बताते। अभी ये हमारे पास ये ट्रैप है दोस्तों, और दोस्तों इसको प्लांटेशन करने के लिए आपको ऐसे इसके चार पार्ट मिलेंगे। और दोस्तों जो ये वाला पार्ट है इसको आपको सिंपली से ऐसा इससे नीचे ऐसा दबाना है, और दोस्तों जो ऐसा ये छतरी जैसा आपको दिखाई देगा इसमें जो हमारा फीमेल हार्मोन होता है जो हमारे शूट बोरर का जो फीमेल हार्मोन होता है वो इसको हमें इसमें इंसर्ट करना है। जो ये हमने इसमें इंसर्ट कर दिया दोस्तों, और इसमें इसे हमें बाद में ऐसा उल्टा इसे इधर ऐसे लगाना है। ये हो गया दोस्तों हमारा, ये पूरा तरह से इंस्टॉलेशन इसका हो गया है। तो दोस्तों ये कैसा वर्क करते हैं हम आपको एक बार बता देते हैं। जो हमारा मेल पतंग होता है वो क्या होता है, वो हमारे जो बैंगन का पेड़ होता है उसके लगभग 1 फीट से लेकर 1.5 फीट ऊपर जो फ्लाई करता है। तो दोस्तों जो ये फीमेल जो हार्मोन होता है वो उसको अट्रैक्ट करता है, वो अट्रैक्ट करने के बाद वो इधर आता है। और दोस्तों हमें इधर बाद में हम इस इधर पानी भरते हैं, आप इधर इसमें पानी भी भर सकते हैं, उसके साथ साथ जो हमारा वॉशिंग पाउडर होता है उसका पानी भी भर सकते हैं और आप ऑयल भी भर सकते हैं, आप कुछ भी इसमें ऐसा नीचे भरे। लेकिन नीचे भरते टाइम हमें ये ध्यान रखना होगा जो हमारा फीमेल जो हार्मोन रहता है वो उधर तक पानी नहीं आना चाहिए, उसके नीचे पानी आना चाहिए। और दोस्तों बाद में क्या करें, हमारा जो बैंगन का पेड़ होता है उससे लगभग 1 से 1.5 फीट के ऊंचाई तक ऐसा हमारी जो काटी होती है हमारी जो लट होती है उसको ऐसा घुसा दीजिए, और बाद में दोस्तों ये जो हमने लगाया है ये इसको ऐसा लगा दीजिए। हमने ऐसा लगा दिया है दोस्तों, आप देख सकते हो। और जो हमारा अभी हमारे पास इसका वॉशिंग पाउडर का जो पानी है सिंपली आप देख सकते हो, इसको हमें ऐसा फिल करना होगा। ये जब हम पानी भरते हैं ये हमारा पानी भी हम भर सकते हैं और उसके साथ साथ जो हमारा ऑयल होता है वो भी हम डाल सकते हैं। और दोस्तों हमें ये ध्यान रखना होगा इसमें पानी डालते टाइम जो हमारा फीमेल हार्मोन है इस इधर तक पानी नहीं आना चाहिए, नहीं तो ये खराब हो जाएगा। और ये बहुत अच्छी खासी इसकी बनावट है दोस्तों, ये आप ये देख सकते हो उल्टी अम्ब्रेला का जैसा ये आपको साइज दिखेगा। ये क्यों लगाया दोस्तों, क्योंकि जो डायरेक्ट सनलाइट होती है वो ये जो हमारा फीमेल हार्मोन होता है उसको हार्म नहीं करे, इसलिए ये अम्ब्रेला ऊपर दी गई होती है। और जो दोस्तों हमारा बारिश होता है बारिश के पानी की वजह से भी ये खराब हो सकती है, इसके लिए जो उल्टा ये कंपनी ने बहुत अच्छा खासा ये दिया है। और दोस्तों ये हमारा पूरी तरह से इंस्टॉलेशन हो गया, हम थोड़ा और पानी इसमें डालते हैं,
पानी, ये हमारा जो हमारा वॉशिंग पाउडर होती है उसका हमने पानी इसमें डाला है, और आप अपना साफ पानी भी डालेंगे इसमें तो भी चलेगा, लेकिन ये ध्यान में हमें देना होगा कि ये जो हमारा फीमेल हार्मोन है इसमें पानी नहीं लगना चाहिए, कि अगर इसमें पानी लगेगा तो ये पूरी तरह से खराब हो सकता है। और दोस्तों जो हमारा फीमेल हार्मोन होता है इसकी जो लाइफ साइकिल है वो लगभग एक महीने के आसपास होती है, तो एक महीने के बाद आप इसको रिप्लेस करके बाद में इसमें पानी, अब अगर आपका गंदा हुआ है तो आप फिर इसमें पानी भर सकते हो। तो दोस्तों हमने इसकी जो पूरी तरह से इंस्टॉलेशन अच्छी तरह से की है, आपको ध्यान देना चाहिए हमारा पेड़ इसमें इससे लगभग 1 फीट 1.5 फीट की ऊंचाई तक इसको हमें प्लांटेशन इसकी करनी चाहिए। तो दोस्तों हमने इसकी प्लांटेशन की है, इसका रिजल्ट क्या होता है हमें आपको 2 दिन बाद आके दिखाएंगे। जो काइट्स होते जो पतंग होते हैं वो किस तरह से इसमें आके बैठ जाते हैं, इसमें जो फंस जाते हैं वो हम आपको 2-3 दिन बाद दिखाएंगे। तो मिलते हैं आपको 2-3 दिन बाद। तो नमस्कार किसान भाइयों, आज हम 2-3 दिन बाद अभी आए हैं हमारे, तो देखते हैं हमें फेरमोन ट्रैप में कितने जो कीड़े हमारे वो अटक चुके हैं। दोस्तों आप देख सकते हो बहुत अच्छे खासे जो कीड़े इसमें फंसे, आप ये देख सकते हो बड़ा वाला एक कीड़ा फंसा इसमें, और इसके साथ साथ आप नीचे देख सकते हो वो बहुत ही कीड़े छोटे छोटे फंसे इसमें। तो दोस्तों बहुत अच्छा खासा रिजल्ट है इसका, और दोस्तों इसका अगर आप अपने खेत में आप यूज करेंगे तो जो शूट बोरर की जो दिक्कत आती है हमें, और जो हमारे फ्रूट बोरर की दिक्कत आती है उसको हम काफी हद तक इसको कंट्रोल कर सकते हैं। दोस्तों लगभग हमारा हिसाब है कि अगर आप फेरमोन ट्रैप्स का यूज करेंगे तो आप जो शूट बोरर और हमारा जो फ्रूट बोरर की जो दिक्कत आती है उसको हम लगभग 50% जो हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं, 50% तक हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी शूट बोरर और फ्रूट बोरर को। तो दोस्तों हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए आपको ये वीडियो कैसी लगी, और अगर आपको ये फेरमोन ट्रैप्स की अगर आप बिताएंगे तो अच्छा खासा आप जो शूट बोरर और फ्रूट बोरर से आप बच सकते हो। तो दोस्तों आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो आपको पसंद आई होगी तो हमारे अपने इंडी फार्मर चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, और मिलेंगे आपको और एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक हार्डवर्क कीजिए विद स्मार्ट वे। जय हिंद, जय भारत, जय किसान।